नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि आप एक बार में सिर्फ 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में लेन देन का काम नहीं कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो उतनी ही रकम आपको जुर्माने के रूप में चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कैश लेन देन के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अगर आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए के आसपास की लेन देन करते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर उसकी पूरी डिटेल देनी होगी, जिससे सरकार आपके कैश के लेन देन को ट्रैक कर सके और शिकंजा कसा जा सके। नए नियम के तहत 2 लाख से ज्यादा का लेन देन कैश में नहीं होगा। हालांकि आप इतनी बड़ी रकम को बैंक के माध्यम से ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने भी अपने दोस्त यार भाई या रिश्तेदार को उधार में पैसे दे दिए हैं तो उससे पहले आपको इन नियमों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बह जाओ और लोगों की मदद कर दो और बाद में आपकी परेशानी ही बढ़ जाए। ये भी ना हो जाए कि आपने बड़ी मात्रा में कैश तो दे ही दिया है लेकिन अब उधार वापस मांगने के लिए उनके पास आपको हाथ फैलाने पड़े हैं और आपके पास इसका कोई सबूत भी ना हो कि आपने आर्थिक रूप से किसी की मदद करने का काम किया है। हालांकि आयकर कानून तो यही कहता है कि 20,000 रुपए से ज्यादा कैश लेना और देना अपराध है। ऐसे में अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे लोन अमाउंट के बराबर राशि पेनाल्टी के रूप में लेने का काम करेगा, यानी कि आपसे 100% राशि की वसूली होगी। इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 269 SS किसी भी व्यक्ति को अपने खाते में अन्य व्यक्ति से कुल 20,000 रुपए से अधिक कैश जमा या लोन के तौर पर लेने से रोकती है। ऐसे में आपको इससे ज्यादा अमाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो इसके लिए या तो चेक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से ये किया जा सकता है। वहीं कानून की धारा 271D कहती है कि धारा 269 SS का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। ये अब सवाल ये है कि आपको बतौर हर्जाना कितना देना होगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आप दोषी पाए गए हैं तो पूरा का पूरा 100% हर्जाना देना पड़ेगा। अगर आप धारा 269 SS के उल्लंघन का दोषी पाए जाते हैं तो आपको जुर्माने में उतनी ही रकम देनी होगी जितनी उसने नकद लोन के तौर पर ली है। यानी आपने 5 लाख रुपए नकद लिए हैं तो आपको इतना ही रकम का जुर्माना चुकाना होगा। ऐसे में आगे से आप अपने दोस्तों को बेशक पैसों की जरूरत होने पर उनकी मदद जरूर करें, लेकिन इनकम टैक्स के नियमों को ध्यान में रखना भी नहीं भूले। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी दोस्त यारी के नाम पर नहीं फंसे तो इस बात का खास ख्याल रखें कि पैसों के लेन देन के समय एक लोन अग्रीमेंट तैयार कर ले। इस पर लोन अमाउंट वापसी की तारीख सभी शर्तों के साथ आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में बैंक को जानकारी देने में आसानी होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।